नमस्कार दोस्तों, टेक्मेक इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं आज आपका होस्ट आशीष मिश्रा आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ, शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके SSC JEE या और स्टेट जो एग्जाम्स होते हैं, वन डे एग्जाम्स, उनके लिए। ठीक, पूछा कहाँ से जाता है इस टॉपिक में? आपसे पूछा जाएगा, कोई भी एक सेक्शन दिया रहेगा, उस सेक्शन का आपको शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम या वहाँ से रिएक्शंस या कितना वैल्यू होगी उस चीज़ के बारे में पूछा जा सकता है। जनरली दो टाइप की बीम्स के बारे में पूछा जाता है, एक तो कैंटिलीवर बीम्स और दूसरी सिंपली सपोर्टेड बीम्स। यही दो बीम्स इस पूरे टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे। टॉपिक थोड़ा सा लंबा खींचने वाला है, तो दो या तीन लेक्चर्स में ये पूरा टॉपिक हम लोग ख़त्म करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है कि शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक, और किस चीज़ पे निकाला जाता है। तो ये चीज़ तो सही है, आप लोग सबसे पहले कि बीम्स का टॉपिक पढ़े थे आप लोग, और बीम में ही शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बीम्स का डिफाइन किया गया था, ठीक, वहाँ से आप लोगों ने इसको देखा था। तो पूरे टॉपिक को पढ़ने से पहले सबसे पहले तो यही पढ़ना चाहिए कि बीम्स क्या है और ये शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हम बीम पे ही क्यों निकालते हैं। तो इस सवाल का जवाब क्या है कि बीम पे ही क्यों निकालते हैं, क्यों? क्योंकि जो बीम होती ना वो स्ट्रक्चरल मेंबर है और वहीं पे यूज होती है, ठीक। अब किसी भी स्ट्रक्चर के ऊपर आप कैसी भी लोडिंग कर दे रहे हैं, पुल बना रहे हैं, तो सभी लोग तो नहीं है, कहीं पर ज़्यादा मसाला हो जा रहा है, कंक्रीट हो जा रही है, कहीं पर कम हो जा रही है, तो पुल के ऊपर जो लोडिंग होती है ना वो अनइवन या अनइक्वल्स होती है। अब उस लोडिंग के हिसाब से पुल के अंदर जो बीम हैं उन पर कितना अनबैलेंस फोर्स जनरेट होगा या कितना अनबैलेंस मोमेंट अप्लाई होगा बीम के किसी एक सेक्शन पे, ठीक, उसके लिए आप शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करते हैं। फायदा क्या होगा इससे? अगर ज़्यादा होने लगेगा तो वहाँ पर आप फिर से लोडिंग को मैनेज कर सकते हैं, सही कर सकते हैं कि एक स्पेसिफिक लिमिट के अंदर ही रहे, तो आपका जो बीम है वो फेल होने से बचा रहे। तो अब सबसे पहली चीज़ क्या है कि हम लोग डिफाइन करते हैं कि बीम क्या है। तो आप सभी को पता है कि बीम क्या है। बीम एक स्ट्रक्चरल मेंबर है, ठीक। स्ट्रक्चरल मेंबर मतलब वो मेंबर जो किसी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स में यूज होता है, जिसकी एक डायमेंशन बाकी दो डायमेंशन की रिस्पेक्ट में बहुत ही ज़्यादा हो, मतलब लेंथ बहुत ज़्यादा होगी और बाकी विड्थ और हाइट थोड़ा सा कम होगा, ठीक, और जिसके ऊपर ट्रांसवर्स लोड लग रहा हो, ठीक। क्या क्या शर्तें हुई? बीम एक तो स्ट्रक्चरल मेंबर होना चाहिए, दूसरे क्या कि एक डायमेंशन बाकी दो डायमेंशन के रिस्पेक्ट में ज़्यादा होनी चाहिए, और तीसरा क्या हुआ कि आपको बीम के ऊपर हमेशा ट्रांसवर्स लोड लगता है। स्ट्रक्चरल मेंबर तो ढेर सारे होते हैं, ठीक, जैसे कि कॉलम हो गया, स्ट्रक्ट हो गया, वो सारे स्ट्रक्चरल मेंबर हैं, लेकिन एक डायमेंशन बाकी दो डायमेंशन के रिस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा और उसके ऊपर ट्रांसवर्स लोड, ये सारी कंडीशन जब फुलफिल होंगी तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? बीम बोलेंगे। तो बीम इट इज अ स्ट्रक्चरल मेंबर विच इज सब्जेक्टेड टू ट्रांसवर्स लोड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बीम बोलते हैं, ठीक। अब इसमें एक वर्ड आया ट्रांसवर्स लोड। ट्रांसवर लोड क्या है? ट्रांसवर लोड देखो, द लोड विच इज परपेंडिकुलर और इट हैज नॉन जीरो कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द बीम, समझे? मतलब बीम का जो एक्सिस है ना उसके परपेंडिकुलर लगने वाला लोड लॉन्गिट्यूड ट्रांसवर्स लोड कहलाता है। देखो जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ना उसके परपेंडिकुलर लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस होगा, और क्रॉस सेक्शनल मतलब और जो एक्सिस होगा ना उसके परपेंडिकुलर ट्रांसवर्स एक्सिस होगा, ठीक। तो जो एक्सिस के परपेंडिकुलर लोड लग रहा है वो हो गया आपका ट्रांसवर्स लोड। जैसे कि ये एक बीम है, इस बीम में ये हो गया इसका क्रॉस सेक्शन, इसके परपेंडिकुलर जो लगेगा वो हो गया लॉन्गिट्यूडनल, और ये बीम है इसका एक्सिस इसके बीच में जा रहा होगा, उस एक्सिस के परपेंडिकुलर जो लगेगा वो हो गया
ट्रांसवर्स लोड। तो बीम में ट्रांसवर्स लोड लगना एकदम कंपलसरी चीज है। ठीक, अब ट्रांसवर्स लोड के बाद आता है कि शेयर फोर्स क्या होता है। शेयर फोर्स जानने से पहले सबसे उससे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि फोर्स क्या होता है, तब तो शेयर फोर्स तक पहुंचेंगे। ठीक, तो फोर्स तो आप लोगों को याद होगा क्या, ये फोर्स इज एन एक्सटर्नल एलिमेंट दैट ट्राई टू चेंज और चेंज द पोजिशन ऑफ द बॉडी, या फिर हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, बल वह बाह्य कारक है जो किसी पिंड पर आरोपित होकर उसकी अवस्था परिवर्तन करता है या अवस्था परिवर्तन करने का प्रयत्न करता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग फोर्स। अब बीम के एनालिसिस में आपको चाहिए कोई ना कोई सेक्शन, तो हम लेते हैं एक सेक्शन और उस सेक्शन के राइट साइड में या लेफ्ट साइड में जो कोई भी अनबैलेंस फोर्स है उसको हम लोग बोलते हैं शेयर फोर्स। इट इज द अनबैलेंस फोर्स ऑन आइदर साइड ऑफ अ सेक्शन पैरेलल टू क्रॉस सेक्शन। किसी बीम का, ये बीम है, इसका एक क्रॉस सेक्शन है, इस क्रॉस सेक्शन के पैरेलल कोई आप क्या ले रहे हैं, हम कोई भी एक सेक्शन ले रहे हैं उस सेक्शन के लेफ्ट साइड में या राइट साइड में। ठीक है, लेफ्ट साइड में या राइट साइड में जो कोई भी अनबैलेंस फोर्स है वो सब क्या है, शेयर फोर्स। ठीक, शेयर फोर्स तो क्लियर हो गया, शेयर फोर्स इज द अनबैलेंस फोर्स आइदर साइड ऑफ अ क्रॉस सेक्शन। ठीक, शेयर फोर्स के बाद आपको पता होना चाहिए मोमेंट। मोमेंट तो आप लोगों को पता है कि मोमेंट क्या होता है, मोमेंट क्या होता है, एम इक्वल टू एफ इंटू डी फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस इज द मोमेंट। कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, अब बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, बेंडिंग मोमेंट फिर से आप आ जाओ कि अगर बीम, ये बीम है, ठीक, यहाँ पे लोडिंग लगी हुई है, ठीक, और यहाँ पे एक हमने क्रॉस सेक्शन लिया एक्स एक्स। अब इस क्रॉस सेक्शन के राइट में या लेफ्ट में जो कोई भी अनबैलेंस मोमेंट होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, उसी को हम लोग बोलेंगे बेंडिंग मोमेंट। क्लियर हुआ, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेंडिंग मोमेंट, समझे। तो बेंडिंग मोमेंट इज द अनबैलेंस मोमेंट ऑन आइदर साइड ऑफ सेक्शन इन अ प्लेन ऑफ बीम। क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं होगा, डाउट होना भी नहीं चाहिए। ठीक, अब बीम को हम डिफाइन करेंगे अलग अलग तरीके से, एक तो ऑन द बेसिस ऑफ लोड और दूसरा बीम को डिफाइन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सपोर्ट्स। तो सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ लोड। ठीक, तो बीम पे तीन चार तरीके के लोड लगाते हैं हम लोग। ठीक, वो लोड कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले तो ये हो गया आपका एक पॉइंट लोड। ठीक, पॉइंट लोड, ये हो गया आपका पॉइंट लोड। इस पॉइंट लोड का मतलब क्या है, मतलब ये देखो आपके पास एक बीम है ए और बी। ठीक, इसके ऊपर ये देखो एक दो तीन, ये तीन लोड लगे हुए हैं, इनकी यूनिट क्या हो सकती है, न्यूटन और किलो न्यूटन मेजर मीटर। ठीक, यूनिट के बारे में अभी बात नहीं कर रहे हैं, पॉइंट लोड को ही एक और लोड बोलते हैं नाम से, उसको बोलते हैं कंसंट्रेटेड लोड। ठीक, मतलब इसका क्या हुआ, पॉइंट लोड और कंसंट्रेटेड लोड वो लोड हैं जो किसी एक अपना सारा इफेक्ट, जो अपना सारा मैग्नीट्यूड है ना, वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ही लगाते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं पॉइंट लोड। कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें कि पूरा लोड, जैसे 10 किलो न्यूटन का है तो 10 किलो न्यूटन का लोड एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, 50 किलो न्यूटन का लोड एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। अब उस लोड की सारी वैल्यू जो होगी ना, वो इसी एक पॉइंट पे कंसंट्रेटेड होगी, उसके लेफ्ट में और उसके राइट में उस लोड का इफेक्ट जाएगा, लेकिन वो लोड नहीं जाएगा, इफेक्ट जा सकता है। इफेक्ट जाने का मतलब क्या है कि इसकी वजह से पूरे सेक्शन पे एक अनबैलेंस लोड जनरेट हो सकता है,
लेकिन इस लोड की वैल्यू सिर्फ इसी एक पर्टिकुलर पॉइंट तक ही कंसंट्रेटेड होगी और इसका इफेक्ट भी तब आएगा जब आप इस पॉइंट तक पहुंचेंगे। क्लियर हुआ? चलिए ठीक। उसके बाद आता है एक UDL, इसको बोलते हैं हम लोग UDL, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। इसकी क्या खासियत होती है? इसकी खासियत ये होती है कि ये जितने भी स्पैन पर पड़ा होता है ना, या जितनी भी लेंथ में पड़ा होता है, उस लेंथ पर यूनिफॉर्मली इसका मैग्नीट्यूड रहता है। मतलब अगर 10 किलो न्यूटन से शुरू हुआ तो लास्ट भी ये कहाँ पे होगा? 10 किलो न्यूटन पे ही। लेकिन खासियत क्या होगी कि जैसे जैसे आप लेंथ बढ़ते जाएंगे ना, वैसे वैसे इसका टोटल मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं? न्यूटन पर मीटर लेंथ। ठीक। वेट जो होगा ना, लोड, इस लोड की यूनिट क्या रहेगी? न्यूटन पर मीटर। ठीक। मतलब 10 किलो न्यूटन पर मीटर। इसका क्या मतलब है कि एक मीटर पे ये 10 किलो न्यूटन, 2 मीटर पे कितना हो गया? 20 किलो न्यूटन, 4 मीटर पे 40 किलो न्यूटन। लेकिन एक और खासियत है क्या कि इसका टोटल जो मैग्नीट्यूड एक्ट करेगा ना, वो जितनी भी डिस्टेंस पे पड़ा हुआ ना, उसके जस्ट सेंटर पे। मतलब अगर ये 10 किलो न्यूटन है और लेंथ 5 मीटर है, तो टोटल लोड कितना हो गया? 50 किलो न्यूटन। और ये 50 किलो न्यूटन कहाँ पे एक्ट करेगा? अगर ये 5 मीटर ना, तो 2.5 किसी भी एक एक्सिस से, किसी भी एक एंड से 2.5 मीटर पे इसकी पूरी का पूरा मैग्नीट्यूड एक्ट करेगा। लेकिन ये पूरे का पूरा पूरी लेंथ पे पड़ा है और इक्वल अमाउंट में पड़ा हुआ है, उसके अलावा आप इसको कहीं कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक। ओके। तो ये हो गया आपका UDL। इस UDL के बाद एक और चीज आती है, उसको हम लोग बोलते हैं UVL, यूनिफॉर्मली वेयरिंग लोड। अब इसकी क्या खासियत होती है? देखो, इसकी क्या खासियत होगी, ये पूरे डिस्टेंस में, ठीक, जहां भी पड़ा होगा, एक ट्रेंगल टाइप का बनाता है। ठीक, दिख रहा है? ये बढ़ता हुआ जा रहा है। ठीक। हर मीटर लेंथ पे इसकी वैल्यू जो होगी ना, वो डिफरेंट आएगी। ठीक। हर लेंथ पे इसकी वैल्यू डिफरेंट होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक। अब एक ट्रेंगल बनाता है, तो इस ट्रेंगल का सीजी जहां पे होगा ना, वहां पे ये टोटली एक्ट करेगा। सीजी मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी। आपको पता है लोअर एंड से 2/3, अपर एंड से 1/3 डिस्टेंस पे लगता है। कि अगर ये डिस्टेंस एक्स है, तो इधर से 2/3x पे लगेगा और इधर से 1/3x पे लोड, पूरे का पूरा लोड जो वैल्यू होगी, मैग्नीट्यूड, वो लगेगा। ठीक। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। इसको बोलते हैं यूनिफॉर्मली वेयरिंग लोड। पर मीटर डिस्टेंस पे लोड जो होगा ना, वो वेरी करता रहेगा। उसके बाद आता है एक कपल। कपल तो आपको पता है कि अगर दो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो वो एक कपल बनाते हैं। कपल एक तरीके का लोड नहीं, मोमेंट है। ठीक। एक तरीके का वो मोमेंट करता है, लेकिन खास बात क्या है कि मोमेंट से भी शेयर फोर्स जनरेट होता है, या जीरो शेयर फोर्स पे भी मोमेंट आपको मिल सकता है। अभी जब प्रॉब्लम करेंगे हम लोग ना, वहाँ पे हम लोग देखेंगे ये चीज़ें। उसके बाद एक आता है ऑब्लिक लोड। और ऑब्लिक लोड क्या होता है? बस कुछ नहीं, जो आपका पॉइंट लोड है ना, वो किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे लगा होगा। अब अगर एंगल पे लगा होगा तो क्या हो जाएगा? आप उस लोड के दो कंपोनेंट होंगे, एक एक्स डायरेक्शन में और एक वाई डायरेक्शन में। एज सिंपल एज डेट, जो आप लोगों को आता है, रिजोल्यूशन ऑफ द फोर्सेस तो आता ही है ना, कि एक फोर्स अगर किसी पर्टिकुलर एंगल पे लगा हुआ है, तो अगर थीटा एक्स एक्सिस के साथ है, तो एक्स एक्सिस पे कॉज कंपोनेंट होगा और वाई एक्सिस पे साइन कंपोनेंट होगा। क्लियर ना? चलो गुड। उसके बाद क्या है? टाइप ऑफ सपोर्ट्स। टाइप ऑफ सपोर्ट के हिसाब से भी आप बीम्स को क्लासिफाई करते हैं। ठीक। लेकिन यहाँ पर हम लोग सपोर्ट को देखेंगे और किस सपोर्ट पे कितनी रिएक्शंस होती हैं, उनके बारे में एक बार देखेंगे हम लोग। ठीक। तो सबसे पहला जो सपोर्ट आता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं नाइफ एज सपोर्ट।
और ये नाइफ एज सपोर्ट क्या होता है कि किसी बीम पे, ठीक, किसी बीम मतलब ये जो आपके पास बीम हो रखी ना, ये बीम, ठीक, इस बीम पे के किसी एंड पे एक एकदम नाइफ एज का सपोर्ट लगा हुआ है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पूरी बीम टिकी हुई है। इसका फायदा क्या है, ठीक, कि बीम में जो रिएक्शन होती ना वो एक ही जनरेट होती है, वो भी सिर्फ और सिर्फ ऊपर की ओर, समझे, बीम में जो रिएक्शन होगी वो एक ही जनरेट होगी, ठीक, एक रिएक्शन, वो भी परपेंडिकुलर मतलब सीधे अपवर्ड, ठीक, वर्टिकल रिएक्शन जनरेट होगी। और ये जो पॉइंट है ना, ये इस बीम को ट्रांसवर्स, ये जो ना इस टाइप के मोशन में और या फिर इस टाइप के रोटेशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं करेगा, मतलब ये जो सपोर्ट है ना ये कोई रेजिस्टेंस नहीं प्रोवाइड करेगा इसके टर्निंग में या लेटरल डिस्प्लेसमेंट में। ऐसे सपोर्ट को हम लोग बोलते हैं नाइफ एज सपोर्ट, नाम से आया ना नाइफ एज, कि जो भी ये देखो ऐसे ये कोई बीम लेके आए हम इस टाइप से और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे रोक दें, अब क्या होगा, ये पॉइंट पे सिर्फ एक वर्टिकल रिएक्शन आएगी, इसका जितना लोड होगा इसको ऊपर की ओर ये रिएक्ट कर देगा, एज सिंपल एज डैट, ठीक, क्लियर हुआ। उसके बाद एक आता है रोलर जॉइंट, रोलर सपोर्ट ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन। देखो दो टाइप का होगा रोलर सपोर्ट, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे और इनक्लाइन प्लेन पे। खासियत क्या है ना, खासियत ये है कि यहाँ से जो रिएक्शन लगेगी ना वो रोलर प्लेन के परपेंडिकुलर लगेगी, ठीक, वर्टिकल प्लेन पे नहीं लगेगी, कहाँ पे लगेगी, रोलर प्लेन के परपेंडिकुलर, ठीक। जैसे कि आया जो नीचे देखिए आप, यहाँ पे रोलर्स लगे हुए हैं, रोलर सपोर्ट है, ठीक, इस प्लेन के परपेंडिकुलर रिएक्शन लगेगी, ठीक, हमेशा रिएक्शन एक ही लगेगी लेकिन वो कहाँ लगेगी, रोलर प्लेन के परपेंडिकुलर रिएक्शन लगेगी। जैसे यहाँ पे देखिए आप, ये रोलर प्लेन है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक रिएक्शन लगेगी। अब क्या होगा, अब इस रिएक्शन के दो कंपोनेंट आएंगे, एक वर्टिकल डायरेक्शन में, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ठीक। लेकिन इन दोनों में जो एक चीज कॉमन है वो कॉमन क्या है, कि ये दो की दोनों भी टर्निंग और लेटरल डिस्प्लेसमेंट में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे। मतलब ये हुआ कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक रिएक्शन आपको कैलकुलेट करनी है, वो क्या है, वो रिएक्शन है हॉरिजॉन्टल प्लेन के परपेंडिकुलर, और अगर नाइफ एज है तो वर्टिकल प्लेन पे, बाकी कोई भी रिएक्शन आपको कैलकुलेट नहीं करनी है। उसके बाद आता है हिंज सपोर्ट या पिन सपोर्ट, ठीक, दोनों तरीके आपको याद रखने हैं, दोनों वर्ड हिंज्ड या पिन सपोर्ट। देखो ये लगेगा आपको, यहाँ पे एक पिन लगा हुआ है, अब इसको आप विजुलाइज करना चाहते हैं ना, तो दूसरे तरीके से आप सोचिए कि एक बीम है ये और यहाँ पे एक पिन लगा के हमने इसको ऐसे फंसा दिया, ठीक, यहाँ पे पिन पे ये बीम फंसी हुई है, ठीक। अब क्या होगा, अब जब ये पिन पे फंसी हुई ना तो ये घूमने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा, मतलब इसमें कोई मूवमेंट तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, लेकिन क्या ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट कर सकेगा, ऐसे नहीं कर सकेगा, क्यों, क्योंकि ये पिन में फंसा हुआ है, ठीक। अब जब लेटरल डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो उसकी वजह से एक लेटरल डायरेक्शन में क्या जनरेट होगी, रिएक्शन जनरेट होगी, ठीक। देखो पिन की वजह से एक तो वर्टिकल एक्सिस पे आपको रिएक्शन निकालनी थी और दूसरी रिएक्शन किस कहाँ निकलेगी, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, ठीक। तो जहाँ कहीं पर भी पिन ज्वाइंट होगा या हिंज सपोर्ट होगा, पिन सपोर्ट होगा या हिंज सपोर्ट होगा, वहाँ पर क्या होगा, मोमेंट तो अलाउ रहेगा लेकिन लेटरल मूवमेंट जो होगा ना, लेटरल क्या बोलते हैं, जो लेटरल डायरेक्शन में, उसकी वजह से आपको एक जो डिस्प्लेसमेंट नहीं हो पाएगा लेटरल डायरेक्शन में, उसकी वजह से आपको एक एक्स्ट्रा रिएक्शन कैलकुलेट करनी पड़ेगी, वो होगी आपकी हॉरिजॉन्टल प्लेन पे। क्लियर हुआ आपको, हिंज सपोर्ट की वजह से आपको दो रिएक्शन कैलकुलेट करनी है, एक एक्स डायरेक्शन में और दूसरी वाई डायरेक्शन में। जहाँ कहीं पर भी आपको ये सपोर्ट दिखता है वहाँ पर आपको इस चीज़ का खास ख्याल रखना है। अभी क्या करते हैं, जो आखिरी सपोर्ट है आपका उसको बोलते हैं हम लोग फिक्स्ड सपोर्ट।
अब इस फिक्स सपोर्ट की क्या खासियत है कि देखो अभी तक हमने क्या किया था, इसको एक पिन ज्वाइंट किया था, तो पिन की वजह से क्या हो रहा था, ये मूव कर पा रही थी, तो जो टर्निंग थी ना उसको तो हम मतलब अलाउ कर रहे थे, लेकिन सिर्फ लेटरल मूवमेंट को ब्लॉक किया था। अभी क्या होगा, जब ये फिक्स हो जाएगा ना तो ये घूम भी नहीं पाएगा, ठीक, और मूव भी नहीं कर पाएगा। मतलब अब आपको एक मूवमेंट के साथ साथ दो रिएक्शन भी कैलकुलेट करनी पड़ेंगी अगर आपका कोई प्रॉब्लम में फिक्स सपोर्ट दिया हुआ होगा। अब गलती कहाँ पे होती है वो सबसे पहले यहीं पे देखो। आपको क्या लगता है कि आपके पास बीम आई, उसमें नीचे सपोर्ट दिया हुआ है और आपने कैलकुलेट कर दिया रिएक्शन, ठीक। आपने अगर ध्यान नहीं दिया कि किस टाइप का सपोर्ट है और आपने कैलकुलेशन में रिएक्शन को कैलकुलेट कर दिया बिना सोचे समझे, तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है, समझ रहे ना। तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते क्या देखना है कि अगर पॉइंट ए पर पिन सपोर्ट है या रोलर सपोर्ट है या हिन सपोर्ट है, जैसा भी सपोर्ट है उस तरीके की रिएक्शंस को आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्लियर। तो यहाँ से ये टॉपिक आपका क्लियर होता है, ठीक। उसके बाद हम सिंपली आ जाते हैं टाइप ऑफ बीम्स में। सबसे ज़्यादा अवेटेड है, इसे ही तो पढ़ रहे हैं, इसी का तो शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निकालेंगे हम लोग, ठीक। तो सबसे पहले टाइप की जो बीम आती है उसको बोलते हैं हम लोग कैंटीलीवर बीम। कैंटीलीवर बीम एक तरीके का जो आपका घर का छज्जा होता है ना, उस टाइप की बीम होती है। मतलब किसी एक पर्टिकुलर एंड पे क्या रहेगी, फिक्स रहेगी, और दूसरा एंड क्या रहेगा, वो फ्री रहेगा। सपोर्ट हो सकता है नहीं हो सकता, उसका कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन इसकी खासियत क्या होगी कि एक एंड पे क्या रहेगी, ये फिक्स रहेगी। अब आपको पता है कि जिस किसी एंड पे ये फिक्स रहेगी, फिक्स सपोर्ट पे कितने रिएक्शन होती थी, फिक्स सपोर्ट पे टोटल रिएक्शन की वैल्यू होती थी तीन। कौन कौन सी? एक तो भैया मोमेंट लगेगा, दूसरे एक्स डायरेक्शन में एक रिएक्शन जाएगी और एक वाई डायरेक्शन में रिएक्शन जाएगी। तो जब कभी भी आपको कैंटिलीवर बीम मिले तो उसमें आपको ये नहीं बोलना है कि एक्स डायरेक्शन में कोई रिएक्शन नहीं लगेगी या यहाँ पे कोई मोमेंट जो फिक्स एंड होगा वहाँ पे मोमेंट नहीं लगेगा। भैया अगर फिक्स एंड है तो वहाँ पर दो रिएक्शन और एक मोमेंट तो लगेगा ही लगेगा, ठीक। तो इसको देखते हैं, बीम है वन रिजिड एंड रिजिड बोल्ट इनटू द सपोर्ट्स, ठीक। लार्ज स्पान और हैवी लोड प्रोवाइडेड बाय एडिशनल सपोर्ट। अगर हैवी लोड है तो यहाँ पे कोई एक एडिशनल सपोर्ट मिल जाएगा, ठीक। और इस सपोर्ट को बोलते हैं प्रोपेल, ठीक। ये नाम याद रखना, पूछा नहीं जाता है बट ऐसे ही जनरली चीज़ें, कुछ चीज़ें अच्छी होती हैं ना जो याद रखनी चाहिए आपको, ठीक। तो अगर ये हैवी है तो इसके ऊपर प्रोपेल मिलेगा, हैवी नहीं है तो नहीं मिलेगा, कोई ज़रूरत नहीं है। या दूसरे तरीके से जो लोग स्पोर्ट्स वाले होते हैं ना, आप लोग देखे होंगे कि आप कहीं कहीं पे तैराकी वगैरह वाला स्पोर्ट देखे ना, स्विमिंग, तो कभी देखा स्विमर ऐसे जाता है अपने स्विमिंग पूल पे और एक तख्ती टाइप की लगी होती है, उसके ऊपर कूद कूद के नीचे को जंप करता है। तो जो तख्ती है ना वो भी एक बेस्ट एग्जाम्पल है कैंटिलीवर बीम का। बस आपको खास ख्याल क्या रखना है कि जो इनफेक्ट है वहाँ पर टोटल तीन रिएक्शन होंगी, ठीक। उसके बाद आता है सिंपली सपोर्टेड बीम। सिंपली सपोर्टेड बीम आपको पक्का पता है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो बीम जिसमें नाइफ एज सपोर्ट्स हो और सपोर्ट्स का नंबर जो हो वो दो हो, उसको हम लोग बोलते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम। मतलब यहाँ पर ये नाइफ एज सपोर्ट हैं दो और ये, इस तरीके की बीम को हम क्या बोलते हैं, सिंपली सपोर्टेड बीम। ये जो सपोर्ट हैं ये एंड पे भी हो सकते हैं या बीच में भी कहीं पर भी हो सकते हैं। अगर एंड पे हैं तो ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, और बीच में कहीं पर है एक या एक से ज़्यादा, उसको बोलते हैं हम लोग ओवरहैंगिंग बीम। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, बीम विद ओवरहैंग्स। देखो ये फिक्स एंड, ये फिक्स एंड और ये बीम का एक्स्ट्रा निकला हुआ, ठीक। तो अगर सपोर्ट से बीम कोई बाहर को लटकी हुई है ना, उसको हम लोग बोलते हैं ओवरहैंगिंग बीम। सिंपली सपोर्टेड बीम भी हो सकती है, फिक्स्ड बीम भी हो सकती है, कैंटीलीवर बीम
जनरली नहीं होती है। ठीक, जो ओवरहैंगिंग होगी वो आपकी या तो फिक्स बीम होगी या फिर सिंपली सपोर्टेड बीम होगी। ठीक, उसके बाद आता है फिक्स एंड फिक्स बीम्स। और फिक्स बीम्स क्या हैं, ये देखो, जिनके एंड जो हैं वो फिक्स्ड हैं, इस टाइप की बीम्स को फिक्स बीम बोलते हैं। या जो आपके घर के अंदर जितनी भी बीम्स लगी हुई ना, ये सारी की सारी फिक्स बीम है। ओवरहैंगिंग बीम आपको देखनी है, ओवरहैंगिंग बीम का जो बेस्ट एग्जांपल है वो है आपका ये जो जितने आपके ब्रिजेज है ना, ये सारे ओवरहैंगिंग बीम पे बनते हैं। ठीक, उसके बाद आता है कॉन्टीन्यूअस बीम। ओवरहैंगिंग बीम होता है और कॉन्टीन्यूअस बीम भी। कॉन्टीन्यूअस बीम मतलब जिस बीम में सपोर्ट जो है ना, नंबर ऑफ सपोर्ट्स जो है ना वो मोर देन ठीक टू, ठीक उसको बोलते हैं हम लोग कॉन्टीन्यूअस बीम। ठीक, जैसे आपके जो ब्रिजेज बने हुए हैं वो सारे कॉन्टीन्यूअस बीम्स होती हैं। ठीक, तो आपने बीम्स पढ़ी। सबसे पहले क्या पढ़ा, टाइप ऑफ लोड। टाइप ऑफ लोड में पॉइंट लोड या कंसंट्रेटेड लोड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आगे देखते जाएंगे कहाँ पर कैसा कैसा लोड है। एक एक चीज करेंगे पूरे टॉपिक में, सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे, हर एक टॉपिक का डेरिवेशन भी करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मतलब हम लोग जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ डेरिवेशन नहीं पूछा जाता है, लेकिन उस डेरिवेशन का जो आउटपुट निकल के आ रहा है ना, वो जरूर एक एक बार हम लोग देखेंगे हर केस में। ठीक, कैंटिलीवर बीम के और सिंपली सपोर्टेड बीम के हर केस में आपने अपने को देखना है कि कहाँ पे कितना शियर फोर्स होगा, कहाँ पे कितना बेंडिंग मोमेंट होगा। ठीक, और वो याद भी रखना है। ठीक, तो सबसे पहले हमने देखा था टाइप ऑफ लोड। टाइप ऑफ लोड में क्या क्या था, पॉइंट लोड और कंसंट्रेटेड लोड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, ये पूरे स्पैन पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था, और यूनिफॉर्मली वेयरिंग लोड। उसके बाद हम लोगों ने देखा क्या, टाइप ऑफ सपोर्ट्स। तो सपोर्ट्स में सबसे पहले नाइफ एज, फिर रोलर सपोर्ट, रोलर सपोर्ट इन हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन। रोलर सपोर्ट में आपको क्या रखना था, प्लेन के परपेंडिकुलर आपको लगने वाली है रिएक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन में जरूरी नहीं है। वर्टिकल डायरेक्शन में रिएक्शन तभी जाएगी जब रोलर हॉरिजॉन्टल प्लेन पे होंगे। ठीक, और उसके बाद क्या था, फिक्स्ड पिन हिंज्ड या पिन, वहां पर सिर्फ दो रिएक्शन थी और फिक्स्ड में तीन रिएक्शन थी। तीन रिएक्शन कौन सी, दो रिएक्शन एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में और एक मोमेंट। ठीक, उसके बाद क्या आता है, देखो बेंडिंग इन बीम्स। तो बीम्स में बेंडिंग कैसे होती है और शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट का जो साइन कन्वेंशन है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये साइन कन्वेंशन आया कहाँ से, ये भी देखने वाली बात है कि साइन कन्वेंशन ये आ कहाँ से गया। ठीक, तो साइन कन्वेंशन कहाँ से आएगा, क्यों, क्योंकि जो फोर्स है दैट इज वेक्टर क्वांटिटी एंड मोमेंट जो आपका बेंडिंग मोमेंट, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब दो वेक्टर क्वांटिटी हैं तो उन दोनों वेक्टर क्वांटिटी में क्या क्या होगा, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन, और जहां पे डायरेक्शन वहीं पे साइन कन्वेंशन। ठीक, तो साइन कन्वेंशन आपको अपने तरीके का रखना है। देखो हम दोनों तरीके के साइन कन्वेंशन बताएंगे आपको, लेफ्ट हैंड साइड के लिए भी और राइट हैंड के लिए भी। ठीक, अब आपकी मर्जी है आप कौन सा साइन कन्वेंशन यूज कर रहे हैं या अभी तक कौन सा साइन कन्वेंशन यूज करते हुए आए हैं, इसमें हमारा कोई योगदान होने वाला नहीं है, हम सिर्फ न्यूमेरिकल लगवाएंगे। ठीक, साइन कन्वेंशन आपका अपना ही होगा और अपना होना भी चाहिए। हो सकता है कि आप लेफ्ट हैंड वाला यूज करते रहें और हम राइट हैंड वाले से चलें तो आपको लगेगा कि सर गलत कर रहे हैं, या मतलब आप राइट हैंड वाला यूज कर रहे हो और हम लेफ्ट वाला करने लगे फिर भी आपको ये लगेगा सर गलत कर रहे हैं। हम बताते हैं आपको साइन कन्वेंशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों चीज़ें सही हैं। जैसे आपको ये दिख रहा ना यहाँ पे कि जो आपका ये सेक्शन है एक्स एक्स, एक्स सेक्शन से राइट साइड में अपवर्ड और लेफ्ट सेक्शन में डाउनवर्ड जो लग रहा है ये हम पॉजिटिव बोल दे रहे हैं। ठीक, तो मतलब क्या हुआ कि राइट साइड में अपवर्ड और लेफ्ट साइड में डाउनवर्ड, निगेटिव हो गया। हमेशा सही नहीं हो सकता, ये हो सकता है कि जब आप मानो ना तो इसको पॉजिटिव मान लो और इसको निगेटिव, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। लेकिन खास बात क्या ख्याल रखनी है कि जो आप एक बार माने हो पूरे क्वेश्चन में वही साइन कन्वेंशन यूज करना है, उस साइन कन्वेंशन के साथ दूसरी जब छेड़छाड़ कोई नहीं करनी है।
ठीक, देखो ये रहा पॉजिटिव और निगेटिव साइन कन्वेंशंस, ये हमारा है, हम दो के दोनों बताते हैं आपको। देखो शेयर फोर्स सिंबल QVS, कोई भी सिंबल आप यूज कीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, और शेयर फोर्स की जो यूनिट होगी वो क्या होगी, न्यूटन या किलो न्यूटन में। अभी क्या हुआ, सेक्शन के राइट में अगर अपवर्ड है और सेक्शन के लेफ्ट में अगर डाउनवर्ड है तो उसको आप क्या बोलेंगे, पॉजिटिव शेयर फोर्स, और इसका जस्ट अपोजिट निगेटिव शेयर फोर्स। वही बेंडिंग मोमेंट को हम एम से डिनोट करते हैं, और क्या हुआ, सेक्शन के लेफ्ट में अगर क्लॉकवाइज है और सेक्शन के राइट में अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो इसको हम लोग बोलेंगे बेंडिंग मोमेंट। सिमिलरली अगर सेक्शन के राइट साइड में क्लॉकवाइज है और लेफ्ट साइड में एंटी क्लॉकवाइज है तो उसको हम लोग बोलेंगे निगेटिव बेंडिंग मोमेंट। ठीक, हमेशा ये चीज़ सही नहीं होने वाली है। कैसे, देखो आपको ये सेक्शन था, सेक्शन के लेफ्ट साइड में अपवर्ड और राइट साइड में डाउनवर्ड पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में डाउनवर्ड और राइट साइड में अपवर्ड, ठीक, नेगेटिव शेयर फोर्स, उसी तरीके से बेंडिंग मोमेंट बदल गया। ठीक, ये दूसरे में देखो साइन कन्वेंशन, ठीक, क्लियर हो रहा है। तो साइन कन्वेंशन आपका अपना रहने वाला है, कोई मतलब नहीं है आप किसी दूसरे का साइन कन्वेंशन यूज करें या नहीं करें। यहाँ से आपको चीजें याद रहेंगी कि साइन कन्वेंशन जो जनरली सर ने यूज किया वो क्या था। ठीक, देखो बेंडिंग मोमेंट के लिए अगर हो रहा है हंसी आ रही है, ठीक, हंसी आ रही का मतलब क्या है, ये देखो ये बीम है, ये सेक्शन के राइट साइड में बीम ऊपर उठ रही है और सेक्शन के लेफ्ट साइड में भी बीम ऊपर उठ रही है, तो ये देखो ये बनाएगा हंसता हुआ चेहरा। ठीक, तो इसको बोलते हैं हम लोग पॉजिटिव शेयर फोर्स, मुस्कुराहट आती ना पॉजिटिव इसके साथ, तो इसको बोलते हैं हम लोग पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट। और अगर यही रोता हुआ चेहरा बन जाए तो वो हो गई नेगेटिव शेयर, नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट, इसको बोलते हैं हैगिंग और इसको बोलते हैं सैगिंग। ठीक, तो ये हो गई आपकी हॉगिंग, दैट इज द सैगिंग, पॉजिटिव और निगेटिव। ठीक, साइन कन्वेंशन याद रखना बहुत ही जरूरी है, याद नहीं रखे तो हर क्वेश्चन में अलग अलग साइन कन्वेंशन लगाएंगे हम, जब आपको पढ़ाएंगे जब न्यूमेरिकल्स कराएंगे तो हर न्यूमेरिकल में सबसे पहले हम साइन कन्वेंशन लिखेंगे कि हमारे लिए ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं रहने वाली है। ठीक, अब बीम्स में आप कैसे सेक्शन के राइट साइड में और लेफ्ट साइड में शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे, तो देखिए ये आपके पास एक बीम है, बीम ए बी, ठीक, पॉइंट ए पे एक रिएक्शन लग रहा है आर ए और पॉइंट बी पे एक रिएक्शन लग रहा है बी पे, और ये चार जो है ना ये पॉइंट लोड लगे हुए हैं वी वन वी टू वी थ्री वी फोर, न्यूटन्स में किलो न्यूटन्स में यूनिट कुछ भी हो सकती है। तो हमने एक सेक्शन लिया एक्स, ठीक, इस सेक्शन के लेफ्ट साइड में और राइट साइड में अपने को शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करना है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, लेफ्ट साइड में, ठीक, इस सेक्शन के लेफ्ट साइड में, सेक्शन के लेफ्ट साइड में जो ऊपर की ओर लग रहा होगा वो क्या, पॉजिटिव। अभी हमने साइन कन्वेंशन देखा, अपना साइन कन्वेंशन वही है कि सेक्शन के लेफ्ट में फोर्स जो अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है वो पॉजिटिव और जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है वो निगेटिव। ठीक, इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो हमारा इस पूरे सेक्शन पे क्या हो जाएगा, शेयर फोर्स। तो ओ एक्स क्यू एक्स मतलब शेयर फोर्स एट सेक्शन एक्स एक्स इक्वल टू आर ए पॉजिटिव माइनस वी वन माइनस वी टू माइनस वी थ्री, सिंपल है। तो इसका क्या हो गया, आपको सेक्शन के लेफ्ट साइड पे शेयर फोर्स निकल के आ गया। अब सेक्शन के लेफ्ट साइड पे आपको बेंडिंग मोमेंट निकालना है, तो क्या मोमेंट क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इस एक्स से आर ए ये जो लोड लग रहा है इसकी इस सेक्शन एक्स से डिस्टेंस क्या है ए, तो आर ए इंटू ए माइनस, क्योंकि लोड निगेटिव लिया हमने, तो वी वन इंटू ए वन माइनस वी टू इंटू ए टू माइनस वी थ्री इंटू ए थ्री, ये मोमेंट हो गया एट सेक्शन एक्स। ठीक, और राइट साइड के लिए क्या हो गया, राइट साइड में जो अपवर्ड है वो निगेटिव और जो डाउनवर्ड है वो पॉजिटिव,
अपना जो साइन कन्वेंशन है वो वही है, तो शेयर फोर्स एट पॉइंट एक्स फ्रॉम द राइट फॉर द राइट सेक्शन माइनस आर बी प्लस वी फोर, सिमिलरली आर बी इंटू बी मोमेंट पॉजिटिव जाएगा, ठीक, आर बी इंटू बी माइनस वी फोर इंटू ए फोर। इस तरीके से हम किसी पर्टिकुलर बीम पे सेक्शन के लेफ्ट साइड में और राइट साइड में शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट को कैलकुलेट करने वाले हैं, ठीक। अब आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के डायग्राम को ड्रॉ करते वक्त, ठीक। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, सबसे पहले आप किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन से या एक सेक्शन के किसी एक साइड से ही चीज़ों को शुरू करेंगे, और वो साइड कौन सी होगी जो आसान साइड हो। अगर आपको लगे कि आप लेफ्ट साइड से शुरू कर रहे हैं तो आपको लगे कि लेफ्ट साइड में ज़्यादा फोर्स लगे हुए ये टफ पड़ेगी, छोड़ दीजिए, आप राइट साइड से शुरू कीजिए। साइन कन्वेंशन तो आपको याद ही है, कोई जरूरी नहीं है आप किस सेक्शन से या किस साइड से शुरू कर रहे हैं सेक्शन के, लेफ्ट साइड से या राइट साइड से, लेकिन जिस साइड से भी शुरू करना है बेंडिंग मोमेंट भी उसी साइड से ही कैलकुलेट करना है, ये आपको खास बात ख्याल रखनी है, ठीक। उसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो क्या, कि हमेशा जो एंड पॉइंट होंगे बीम के उन पे जो बेंडिंग मोमेंट होगा ना वो हमेशा जीरो होगा, ठीक। अगर आप कैलकुलेट कर रहे हैं शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और एंड पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट की कुछ वैल्यू आ जा रही है तो आपने गलत कैलकुलेशन किया है, ये मान के चलिए, ठीक। अगर आपको सवाल को चेक करना है कि आपने जो किया है वो सही है या नहीं है, तो क्या कि बेंडिंग मोमेंट जीरो से स्टार्ट होगा और जीरो पे ही ख़त्म हो जाएगा, मतलब जो दोनों एंड पॉइंट हैं उनमें बेंडिंग मोमेंट जो आएगा वो एकदम जीरो आएगा, और अगर ऐसा नहीं है तो क्वेश्चन में गड़बड़ है। अगर आप शेयर फोर्स से कैलकुलेट कर रहे हैं तो क्या जो एंड पॉइंट पे शेयर फोर्स की वैल्यू आएगी ना वो इक्वल टू द रिएक्शन ऑफ डेड पॉइंट आएगी, उस पॉइंट के जो एंड पॉइंट होगा ना उस पर जितनी भी रिएक्शन लग रही है ना उसके जस्ट इक्वल आएगी शेयर फोर्स की वैल्यू, लेकिन जो डायरेक्शन होगी ना वो अपोजिट होगी, मतलब नेचर जो होगा ना वो अपोजिट होगा, ठीक। अगर डाउनवर्ड लग रहा है शेयर फोर्स तो अपवर्ड से रिएक्शन आ रही होगी, ठीक, और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तब भी आपका क्वेश्चन जीरो है, जीरो मतलब आपका सही नहीं हुआ, और जहां कहीं पे भी कपल होगा वहां पर दो पॉइंट आएंगे बेंडिंग मोमेंट पे, कपल जो होगा ना वो शेयर फोर्स पे कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा, ठीक, लेकिन बेंडिंग मोमेंट पे जो कपल होगा वो बहुत असर डालेगा, ठीक। एक और टेबल है जो आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है जब आप प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की, और वो टेबल है आपके सामने, ठीक। ये याद रखना है आपको शेयर फोर्स किस टाइप का रहेगा, ठीक। तो जो शेयर फोर्स डायग्राम में होगा, अगर दो पॉइंट्स के बीच में बीम पे दो पॉइंट्स के बीच में कोई पॉइंट लोड है या कोई लोड नहीं लगा है तो वहाँ पे जो शेयर फोर्स होगा ना वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, ठीक, और बेंडिंग मोमेंट वहीं उसी रीजन के लिए एक इंक्लाइन लाइन होगा। लेकिन अगर बीम पे यूडीएल लग रहा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, जितने भी रीजन पे लग रहा है उतने रीजन का जो शेयर फोर्स डायग्राम बनेगा वो एक इंक्लाइन लाइन बनेगा, और उतने रीजन का जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा ना वो सेकेंड ऑर्डर का पैराबोला रहेगा, याद रखना है सेकेंड ऑर्डर का पैराबोला, ठीक। और अगर बीम पे जितने भी स्पैम पे बीम के जितनी भी लेंथ पे यूवीएल पड़ा हुआ है यूनिफॉर्मली वेयरिंग लोड, उतने एरिया के लिए उतनी लेंथ के लिए जो शेयर फोर्स डायग्राम होगा ना उसका शेप होगा पैराबोला, सेकेंड ऑर्डर का पैराबोला, और बेंडिंग मोमेंट का जो शेप होगा ना वो होगा थर्ड ऑर्डर का पैराबोला या क्यूबिक पैराबोला, ठीक। इतनी चीज़ों को आप याद रखेंगे ना तो हम लोग आगे बढ़ेंगे कहाँ पर, शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर द कैंटिलीवर बीम, और इसको हम लोग करेंगे किसी नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक। अगला लेक्चर जल्दी ही आएगा जिसमें हम लोग
शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पढ़ेंगे, कैंटिलीवर बीम्स और आपके सिंपली सपोर्टेड बीम्स के लिए, ठीक। और जो आखिरी लेक्चर रहेगा इस पूरे टॉपिक का, वो जितना भी 50-60 क्वेश्चंस हैं जो आए हुए हैं डिफरेंट स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम में, ठीक, या एसएससी जेई में या सीजे मतलब जो भी हैं, ठीक, जो स्टेट के जेई एग्जाम्स होते हैं पूरे इंजीनियर के, उनमें तो लास्ट लेक्चर में हम लोग वो सारे के सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।